यहाँ पे जो हमारे पास में अभी रिक्वायरमेंट अपडेट किए गए हैं, इसमें जो पेमेंट है 8 घंटे और 26 दिन का 29,950 रुपये CTC पेमेंट है, जिसमें कट छट के PF ESIC काटने के बाद में 25,500 रुपये इन हैंड पेमेंट आएगा। राइट, कि ये इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है कि 8 घंटे का कंपनी के अंदर में काम करोगे। कंपनी का नेम है जरी काट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और जरी काट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हाँ, एलिजिबिलिटी समझिएगा, प्रोफाइल समझिएगा, यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट भी कर सकता है, 10वीं पास भी चलेगा, लेकिन जो स्किल्ड का डिमांडिंग किया गया, क्या वो स्किल्ड आपके पास में है, वो भी समझना ज़रूरी है। वेल, अगर आपके पास में स्किल्ड नहीं है, 10th पास हो और आपके पास में स्किल नहीं है, फिर कॉल कर रहे हो, कमिटमेंट कर रहे हो कि हमने देखा है थंबनेल पे कि 10वीं पास को सैलरी मिल रहा है, 25,500 इन हैंड है, 29,900 रुपये CTC है, आप पहले इन्फॉर्मेशन तो समझ लीजिए, उसके बाद में आप आगे के प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। तो कहने का मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन समझिए, आप अपना एलिजिबिलिटी समझिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझिए, उसके बाद में आप लोग आगे के प्रोसेस को फॉलो कीजिए। मुझसे इससे क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत भी नहीं है। तो आप लोग का ये फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इन्फॉर्मेशन समझिए, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी जो है जरी काट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर रेंटो मोजो यहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट दिया गया। जॉब का लोकेशन वैसे बैंगलोर में है, लेकिन मेनली एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो आपका 10th पास होना ज़रूरी है, दूसरी बात स्किल्ड में क्या एलिजिबिलिटी है, ये ज़रूरी है, स्किल्ड में आपका क्या एलिजिबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे स्किल्ड में, यहाँ पे क्वालिफिकेशन तो 10th पास है, लेकिन स्किल्ड में टेक्नीशियन एंड कारपेंटर की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई नॉर्मल हेल्पर का जॉब नहीं है कि सब कोई कर सकता है, यहाँ पे टेक्नीशियन एंड कारपेंटर की ज़रूरत है। बेंगलोर में काम है, एक्सपीरियंस में कम से कम 1 से 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रेशर्स इसमें नहीं चलेगा। अगर आपको कारपेंटर का 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, कारपेंटर का सैलरी कम है, लेकिन जो AC टेक्नीशियन है, AC फ्रिज वॉशिंग मशीन कूलर ये सब बनाने उनको आता है, उसका सैलरी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे 29,950 CTC है, PF ESIC कट करके 25,500 तक आएंगे। तो यहाँ पे जो प्रोफाइल है टेक्नीशियन का है एंड कारपेंटर का है, टेक्नीशियन का सैलरी 25,500 इन हैंड है 8 घंटे और 26 दिन का, और 19,000 रुपये इन हैंड कारपेंटर का मिलेगा। जो कारपेंटर का काम करते हैं उनको पता होगा कि कारपेंटर का काम क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो AC फ्रीज वॉशिंग मशीन टेक्नीशियन होते हैं उसका सैलरी इसमें बहुत अच्छा है। मैं तो ये भी रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ, काम अगर सीखना है तो AC बनाने के लिए सीख लो, फ्रीज बनाने के लिए सीख लो, कूलर बनाने के लिए सीख लो, तो AC का काम अलग है थोड़ा। AC अगर आपको नहीं भी आता है तो फ्रीज वॉशिंग मशीन कूलर ये सब अगर आता है करने, ध्यान से सुनिए, देखिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, तो ये मैंडेटरी नहीं कि आपको AC बनाने आना चाहिए, फ्रीज वॉशिंग मशीन कूलर ये सब आपको आता है करने, फ्रीज वॉशिंग मशीन कूलर आपको आता है टेक्नीशियन टेक्निकली सही करने आता है, अगर ख़राब हो गया उसको सही कर सकते हो, तो फ्रीज वॉशिंग मशीन कूलर अगर सही कर सकते हो तो आप आके कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। आपको 29,950 रुपये CTC अमाउंट है, PF कटेगा, ESIC कटेगा, 25,500 हर महीने बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा 8 घंटे और 26 दिन काम के। राइट नाउ प्रोफाइल जो है टेक्नीशियन है एंड कारपेंटर है, तो टेक्नीशियन और कारपेंटर के प्रोफाइल पे काम होने वाला है। क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास आउट है, तो 10th पास तो होना ही चाहिए, लैंग्वेज में एनीथिंग चलेगा, लेकिन आपके पास में स्किल्ड होने चाहिए। अगर आपके पास में स्किल नहीं है तो करेगा कौन भाई, लैंग्वेज में है एनीथिंग, जेंडर में ओनली मेल कैंडिडेट चाहिए, रिक्वायरमेंट टोटल 20 लोगों का है, नीड इमीडिएटली ज्वाइनिंग, लोकेशन जो है एदू नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड रेंतो मोजो, यहाँ पे सर्वे नंबर 196/2 होला हल्ली विलेज जिगनी होबली अनेकल तालुका सीकी पालिया ऑपोजिट ब्लू डार्ट बेंगलुरु कर्नाटका 56083 पिन कोड है। और जो भी इंटरेस्ट है, जिसको टेक्नीशियन है, जो फ्रीज वॉशिंग मशीन कूलर बना लेता है, वो विजिट कीजिए और अपने साथ दोस्तों को भी लेकर आइए, उसका भी ज्वाइनिंग करवा देता हूँ। सो आप लोग आइए जल्दी, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।